सुर्ख लाल रंग में जब सुबह हुई तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के जहन में सिर्फ शक और डर था। कल शाम का मंजर अभी लोगों की नजरों से गया भी नहीं था कि सुबह सुबह फिर से दंगों की खबरें आने लगी। कल चांदबाग से जाफराबाद तक पूर्वोत्तर दिल्ली के इलाकों में जो खूनी तांडव हुआ उसे कोई रोकने वाला नहीं था। पूर्वोत्तर दिल्ली के इलाके में जहां कभी खुशनुमा माहौल हुआ करता था, वहीं सूरज ढलते ढलते सड़कों पर आग ही आग थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। दिल्ली पुलिस भी समझ नहीं पाई कि अचानक ये क्या हो गया। देर शाम होते होते कांस्टेबल रतनलाल को उपद्रवियों ने मार डाला। डीसीपी अमित जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 7 और लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हुई इस शर्मनाक हिंसा में 7 दिल्ली वासियों की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली की गलियों में पड़े पत्थर, रोड़े, जलते टायरों से निकलते धुएं और टूटे हुए शीशे के टुकड़े पूछ रहे हैं कि जलती हुई दिल्ली का गुनहगार कौन है। CAA को लेकर शुरू हुआ बवाल अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में और हिंसक होता जा रहा है। उपद्रवियों ने मंगलवार सुबह भी मौजपुर बाबरपुर में पत्थरबाजी की और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के करावल नगर गोंडा चौक में आज सुबह करीब 6 फायर ब्रिगेड को फोन करके आग की सूचना दी गई थी। जब मौके पर अधिकारी पहुंचे तो उनकी एक गाड़ी को उपद्रवियों ने आग लगा दी और 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना में 3 दमकल कर्मी घायल हुए हैं, उन्हें पत्थरबाजी से चोट लगी है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों समेत 5 बाइकों और दुकानों में भी आग लगा दी। वहीं दुकानों में तोड़फोड़ के अलावा लूटपाट की भी खबरें हैं। गोकुलपुर टायर मार्केट की 20 दुकानें जलकर राख हो गई। दंगाइयों की हिमाकत तो देखिए कि पुलिस पर ही बंदूक तानकर खड़े हो गए। यहां तक कि जो भी उनके रास्ते में आया उपद्रवियों के प्रकोप से ना बच सका। लेकिन सवाल ये है कि इस अग्नि तांडव का रचयिता कौन है और लोगों में इतनी हिम्मत का गुब्बार आखिर किसने भरा कि प्रशासन को ही नकारा समझ बैठे। अचानक दोनों तरफ से पथराव होने लगे। पुलिस वालों ने उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकाल ली। एक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। उपद्रवी ने कई राउंड फायर किए। यही युवक दीवार की आड़ में फायरिंग करता हुआ भी पाया गया। पुलिस वाले ने उसे समझाया तो उसने उसके ही सिर पर पिस्तौल तान दी। हालांकि शाम होते होते इसकी पहचान मोहम्मद शाहरुख के रूप में हुई है। पुलिस ने इसे बाद में हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इलाके में काफी राउंड गोलियां उपद्रवियों की तरफ से चलाई गई हैं। उपद्रव के दौरान कई लोग पिस्टल लगाकर घूम रहे थे। यही नहीं, चौंकाने की बात ये थी कि कई जगह पर लोग घरों में भी फायरिंग करते हुए देखे गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियातन जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज भी आज बंद रहेंगे। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिर भी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे ही दंगे की प्लानिंग की गई और दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल तो मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा को लेकर 12 घंटे के भीतर दूसरी बैठक बुलाई है। बता दें कि अभी तक हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि दंगों को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या बड़ा फैसला करती है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।